बस स्टैंड जम्मू में एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, जब नया बस स्टैंड नहीं था, पुराना बस स्टैंड था, तो एक चलन आपने देखा होगा कि बाहर रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके सवारियों को बिठाया जाता था, रास्ते रास्ते आवाजें लगाई जाती थी, वहां से सवारियों को बिठाया जाता था। और ये चलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त हम बस स्टैंड में है, जो खबर बताने जा रहे हैं वो थोड़ी सी हैरान करने वाली है। थोड़ा सा बस स्टैंड के आपको दर्शन करवा देते हैं। नया बस स्टैंड है, गाड़ियां आजकल यहाँ नीचे लगती हैं, जिस भी सवारी को बैठना होता है वो यहाँ पर नीचे बस स्टैंड में आता है और यहीं से गाड़ी में बैठता है। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये आ रही है, जो बस ओनर है और चालक है उनको परेशानी ये आ रही है कि जगह जगह पर बाहर एजेंट लोग रहते हैं और छोटी गाड़ी वाले जो है वो बाहर मौजूद रहते हैं और वो सवारी को अंदर आने ही नहीं देते हैं। अब जब सवारी अंदर आएगी नहीं तो फिर गाड़ी में बैठेगी नहीं, तो फिर इनकी जो गाड़ियां हैं वो किस तरह से चलेंगी, ये किस तरह से सैलरियां अपने चालक और सहचालक को देंगे, ड्राइवर कंडक्टर को सैलरियां कहाँ से देंगे, किस तरह से गाड़ी का खर्चा पूरा करेंगे, उनकी किस्तें कहाँ से भरेंगे। और ये इस वजह से ये परेशान है। अगर आप रात को इंदिरा चौक से गुजरे तो इंदिरा चौक में सड़क के ऊपर आपको कई गाड़ियां लगी हुई वहां पर दिखती हैं और इस तरह की भी जानकारियां आती हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी पैसे भी लेते हैं। अब पैसे लेकर ये लोग वहां पर गाड़ियां जो है वो वहां पे लगाने देते हैं, क्या करते हैं। अगर आप त्रिगुटा कॉम्प्लेक्स के बाहर देखेंगे, नया जो बस स्टैंड है इसके बाहर देखेंगे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहीं पर लगी होती हैं, छोटी गाड़ियां भी लगी होती हैं। छोटी गाड़ियों के लिए अलग जगह डिसाइड की गई थी कि ये वहां पर रहेंगे, महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने रहेंगे या भगवती नगर में वहां रहेंगे, वहां से लोगों को अगर सवारियां उठाते वहां से उठाएं, यहाँ ना आए, अपने अपने अपनी अपनी यू डायरेक्शन में रहें, दूसरों को परेशान ना करें। लेकिन समय जैसे जैसे बीतर चाहता है, वैसे तो वादे कर लेते हैं लेकिन बाद में वादे निभाते नहीं है और धीरे धीरे परेशानी बढ़ती जाती है। और अब परेशानी जो है वो बस के ओनरों को हो रही है। क्या कुछ परेशानी है वो जरा हम जानने की कोशिश करें। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? संजय शर्मा, जनरल मैनेजर बनाल ग्रुप। अच्छा, आपका नाम? हम सुरेश गुप्ता, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है प्रदीप ट्रांसपोर्ट कंपनी। अच्छा, आप? रोशन लाल शर्मा जी। अच्छा, बलवंत सिंह। अच्छा, मुझे बताएं क्या परेशानी आ रही है? हमें सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि बस स्टैंड में अंदर आने के लिए चार मेन गेट है और चार के चार मेन गेट के बाहर छोटी गाड़ियां जो है हर समय लगी रहती है, हर समय उनके एजेंट ड्राइवर कंडक्टर आवाजें लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ियां तो अंदर लगाते हैं लेकिन पैसेंजर अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। हमारी बाहर ही खड़े होकर तो आवाजें लगा के सवारी वहां से उठा के बाहर ही खड़े हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इन सभी गाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिए हुए है, ये पार्टी टूर कर सकते हैं लेकिन एक एक पैसेंजर नहीं बिठा सकते। लेकिन इसके बावजूद ये आवाज कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट में कंडीशन होती है कि आप जब भी उठाएंगे, कोई पार्टी उठाएंगे, टूर उठाएंगे, आप एक एक पैसेंजर को नहीं उठा सकते। तो ये जैसे बस वाला ये कौन सा परमिट है? ये स्टेज कैरिज परमिट है। अच्छा, ये स्टेज कैरिज परमिट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अथॉराइज्ड है परमिट की, ये हर स्टॉप पे एक सवारी उठा सकते हैं, चढ़ा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं सवारी हर स्टॉप पे। अच्छा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है ये सिर्फ टूर या पार्टी उठा सकते हैं, वैसे पैसेंजर जो है एक एक नहीं उठा सकते। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये स्टेज कैरिज का काम कर रहे हैं, एक एक पैसेंजर को उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे काम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम दो तीन साल आपको पता है पहले ही कोरोना काल से गुजर चुके हैं, कोरोना काल में हमारी जो गाड़ियां खड़ी रही है, मालिकों ने खुद अपनी जेब से स्टाफ को तनख्वाह दे देकर गुजारा किया है, गवर्नमेंट से हमें मिला कुछ नहीं है। ऊपर से जब ये गाड़ियां बाहर लग जाती हैं तो हमें अंदर पैसेंजर नहीं मिलता। मालिक ने 40-40 लाख की गाड़ी बनाई है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट तक नहीं निकाल पा रहे हैं, इस समय ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहे हैं। और अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ियां अधिक समय तक सर्वाइव कर सकेंगी। और यहाँ सवारी आती है बस स्टैंड में नीचे? सवारी बहुत कम आती है, अगर 100 में से 20% सवारी अंदर आती है, 80% सवारी जो छोटी गाड़ी बाहर से ले जा रही है, मतलब अंदर आने नहीं देते, अंदर आने नहीं देते। उनका इतना बड़ा जाल है, 50 गाड़ी एक एक गेट के बाहर लगी है, 50-50 उनके एजेंट है, ड्राइवर कंडक्टर है, जैसे ही मेटाडोर रुकेगी फटाफट सवारी को अपनी गाड़ियों में बिठा लेंगे। और अफसोस की बात यह है कि किराया भी हमारे से भी कई बार कम ले लेते हैं वो। स्टैंड है बाहर कैसे खड़े हो रहे हैं? इनके पास कोई स्टैंड नहीं है, ये सिर्फ ले दे के काम चल रहा है, बाकी स्टैंड कोई नहीं है इनका। ये देखे, मतलब ये जो पैसे के लेन देन की बात आती है उसमें सत्यता है? बिल्कुल,
ये ले दे के ही चल रहा है, नहीं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार अप्रोच किया लेकिन आज तक तो कोई इन्हें उठाने के लिए आया नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप किस से अभी तक आप मिल चुके हो? हम आरटीओ ऑफिस में भी इनकी कम्प्लेंट की है, हमने आरटीओ ऑफिस में भी की है, पुलिस को भी करते हैं। अच्छा। हाँ, हर जगह जेडीओ को भी करते हैं, हर जगह इनकी कम्प्लेंट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अभी तक कोई इतना अच्छा रिस्पांस हमें कहीं से भी नहीं मिला है। गाड़ियां खाली जा रही हैं, गाड़ियां खाली जा रही हैं, मालिक भी परेशान है, ड्राइवर कंडक्टर भी परेशान है, गाड़ियां हमारी बिल्कुल खाली चल रही है। आप रात को 10 बजे चले जाओ, 10 बजे से लेकर 24 घंटे इंदिरा चौक में गाड़ियां लगी रहेंगी, हर समय वो आवाजें लगा रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामगढ़, बनाल, श्रीनगर, हर तरफ गाड़ियां जा रही हैं छोटी, जिसकी वजह से हमारे काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया है। तो इंदिरा चौक में ऊपर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वो भी इलीगली हैं? वो इलीगली हैं। आप मेरे को बताओ ना, हिंदुस्तान में कौन सी जगह पे रोड पे बस स्टैंड बना हुआ है? ये तो रोड पे ही बस स्टैंड है। आप सुबह देखो वहां जाके, रोड पे सब्ज मंडी है, रोड पे ही बस स्टैंड है। पहली बार देखा है पूरे इंडिया में, ये पहला हमारी ड्यूटी है जहाँ पे ऐसा हाल हो रहा है। पूरी रात गाड़ियां होती हैं, रौनक लगी रहती है पूरी रात। आप 8 बजे जैसे ही ट्रैफिक वाले जाएंगे, 8 बजे के बाद वहाँ गाड़ियां लगना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। 8 बजे के बाद फिर सुबह तक वहाँ, आप सुबह अगर चक्कर लगाओ तो मैं कहता हूँ आदमी नहीं क्रॉस कर सकता, वहाँ पे इतनी गाड़ी लगी होती है। क्या टेम्पू भी हर जगह पे है, केसी से लेके अम्बफला तक हर जगह टेम्पू स्टैंड दे दिए गए हैं। बेसिकली वो भी बोलते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से हमें स्टैंड मिले हुए, हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें पार्किंग प्लेस मिली हुई थी। जिनको स्टैंड मिले वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिले वो स्टैंड भी जिनको मिले हैं उनको पार्किंग प्लेस मिली हुई है। ये किसी को नहीं मिला कि आप उधर से खड़े होकर पैसेंजर लोड करो, वो किसी को नहीं। वैसे ही कंटेक्ट कर रही थी, गाड़ी पैसेंजर लोड कर ही नहीं सकती है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा भी आप कुछ, इन्होंने जो एक दो पॉइंट इनसे रह गए हैं, बेसिकली परमिट इशू है वो कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा, स्टे का रहेगा, हमारे टाइम में अप्रूव होते हैं। हमारे पास सुबह चाहे वो 2 सवारी हो गाड़ी में, 4 हो, 10 हो, गाड़ी ने जाना ही जाना है, क्योंकि वो अगर वो गाड़ी नहीं जाएगी उसका ट्रिप होता 2 या 3 दिन का, उसको गाड़ी को खड़े करना पड़ता है। अब अल्टीमेटली हुआ क्या है, जब भी ये परमिट देते हैं, एक जब परमिट इशू होता है उसमें ये एफिडेविट लेते हैं, भाई अगर मैं परमिट इस कंडीशन पे ले रहा हूँ तो मैंने इस कंडीशन पे ही चलना है। अब ये टोटली वायलेशन है। और यहाँ पे एक आई थिंक हमने 2016 में एक ऑर्डर भी हुआ था हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने क्लियरली एब्सोल्यूट ऑर्डर किया था भाई अगर कोई परमिट की वायलेशन करती है तो उस गाड़ी का जो परमिट है अथॉरिटी के पास पूरी पावर है उसको सस्पेंड करने का, वो भी हमने टाइम टू टाइम उनको बताया, पर उसके लिए कुछ नहीं। अब मेन इशू क्या है, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो पूरे इन्होंने गाड़ियों ने कवर किए हुए हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कह रहे गाड़ी का जैसे उन्होंने बता दिया भाई उसकी कंडीशन क्या होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी चलते हैं। हम भी यही बोलते हैं अगर किसी ने गाड़ी डाली है चलानी है उसने, अब इनको स्टैंड अलाट हुआ यहाँ पे हरि सिंह पार्क के पास, भगवती नगर के पास, ये गाड़ी कोई भी। अब होता क्या है, जब एक ड्राइव चलती है चाहे वो आरटीओ ऑफिस की साइड से चलती है चाहे वो डीसी ऑफिस की साइड से, जिस दिन ड्राइव चलती है उस दिन वो पूरा क्लियर हो जाता है। चाहे वो आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले बीसी रोड भी आपको क्लियर मिलता था, आज के डेट में बीसी रोड भी वही पोजीशन है। इंदिरा चौक में जब ये बस स्टैंड ऑपरेट करना, वहाँ पे एक डिसाइड हुआ था जो बसेज या छोटी गाड़ी लगती है वो इंदिरा चौक पूरा क्लियर रहना चाहिए, तो नीचे वाली साइड करके उन्होंने 1 या 2 गाड़ी की परमिशन दी थी, आप 1-2 गाड़ी वहाँ पे टाइम टू टाइम लगानी है। आज की डेट में वो कुछ दिन वहां पे चला, आज की डेट में पूरा रात को आप देखेंगे 8 बजे के बाद पूरा इंदिरा चौक आपको पैक मिलेगा, बसेस लगी होंगी, छोटी गाड़ियां लगी होती, और वहां पे कोई भी सवारी जहां से भी बस स्टैंड के अंदर पैसेंजर ने आना है वो सारे उनके 20-25 एजेंट बैठेंगे, वो सवारी खींच के ले जाते हैं और बसेज में यहाँ पे कोई आता नहीं है। इसलिए हम आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं भाई, जो हम कहते हैं भाई अगर हमें अपने जो परमिट की कंडीशन पे चल रहे हैं जो बसेज के परमिट हैं, तो बाकी जैसे परमिट दिए हैं चाहे वो मिनी बसेज हैं चाहे वो टेम्पू ट्रैवलर है चाहे छोटी बसेज, वो अपनी कंडीशन पे चल रहे हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका भी काम चलता रहे तो हमारा भी काम चलता रहे। तो कहाँ मिली हुई है पार्किंग, कहाँ गाड़ियाँ पार्क करेंगे ये लोग? ये इनको जो कश्मीर टूवर्ड्स कश्मीर जाती हैं उनको यहाँ पे हरि सिंह पार्क है उसके सामने जेडी की पार्किंग है, वहाँ पे इनको पार्किंग वो ऑन कार्ड है। वो डीव गांव के साथ मीटिंग हुई थी, वो शायद अभी भी मिनट्स की काफी बड़ी, उसमें भी वो मेंशन होगा इनको जो स्टैंड यहाँ पे दिया हुआ, जो गाड़ियां पूंछ रजौरी वगैरह उनको भगवत नगर में मिला हुआ स्टैंड, पर वो वहां से गाड़ियां ऑपरेट करते नहीं है। रियासी वाली साइड जा रही है? रियासी वाली तो उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, वो अम्फला से ऐसे ही आते हैं गाड़ियां, केसी चौक में पैसेंजर उतारते हैं, वहां से गाड़ी टर्न करते हैं, वहां से आवाजें लगाते हैं रियासी रियासी रियासी, तो वो करके सवारी हो गई, और वो भी टोटली इलीगल है क्योंकि उसका भी टेम्पू का भी सेम परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरी परमिट है, वो इंडिविजुअल सवारी नहीं उठा सकता क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैरी है, किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ अटैच है, अगर उसको कोई ग्रुप आता चाहे वो 10 सवारी का चाहे 12 सवारी का,
वो उसको कॉल करेगा, हाँ जी मेरे पास पैकेज है आपके, आपने वहाँ पे ड्रॉप करना, ड्रॉप करके आपने छोड़ के आ जाना है। उसका ये कंडीशन है, वो कंडीशन पे कोई भी चल के राजी नहीं है यहाँ पे। इसलिए हमारी जो बसेस को इतना लॉस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप किसी दिन मॉर्निंग में निकलोगे, आप यहाँ पे आके देखोगे सुबह, कोई भी गाड़ी जब यहाँ से निकलेगी 2, 4, 5, 7, 8 सवारी से ज्यादा गाड़ी में सवारी नहीं होती, क्योंकि सवारी यहाँ तक पहुंचती नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप कॉल पर तुरंत आ गए, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। बाकी इन्होंने सब कुछ बता दिया गाड़ी के बारे में, अब मैं आपको जेडीए के बारे में बताऊंगा। जेडीए जेडीए जनरल बस स्टैंड जो बनाया हुआ है, पहले तो कहूंगा मैं कि बड़ा अच्छा बस स्टैंड बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जहाँ अफसोस ये है कि हम इनको इतनी पैसा देते हैं, इतना रेवेन्यू देते हैं, उस रेवेन्यू के बावजूद हमारी स्थिति वो है कुत्ते जैसी हालत है। जहाँ जैसे हमारे गडकरी साहब हैं जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं पूरे इंडिया के, उन्होंने कहा कि ड्राइवरों कंडक्टरों के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में बाथरूम होगा और विश्राम के लिए जगह होगी। मगर इधर विपरीत स्थिति थी बस स्टैंड में, इधर ना कोई बाथरूम है ड्राइवर कैटर के, ना कोई विश्राम के लिए, इवन के डोडे बदरवा हिली एरिया में हमारी बसें जाती हैं, कहीं बैठने के लिए कोई जगह नहीं ड्राइवर कैटर है, इवन के ओनर के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। और दूसरा, इन्होंने अगर कोई गाड़ी हमारी डोडा बदरवा से आती है, उन पर इतनी स्ट्रिक्ट की हुई है कि सवारी अंदर बस स्टैंड उतारो, फिर घूम कर आओ, उधर से रास्ता बंद कर दिया होगा, वो भी 50 रुपए देकर, अगर कोई सवारी उतारेगा उसको भी 50 रुपए देकर बाहर जाना, ब्यूरो जाना या नरवाल जाना। मगर ये आपके माध्यम से मैं बीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ, बीसी साहब ये कौन सा कानून चला रहे हैं हम पर जे? अभी तो जे अगर आप ये भी देखिए कि हमारे बैठने के लिए जगह कहाँ है, पीने के लिए पानी यहाँ नहीं है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम की हालत देखो कितनी गंदगी है। बस मतलब हम ये कहेंगे जो ये बातें कह रहे हैं, थोड़ा सा ये है कि अगर कोई पैसेंजर को छोड़ने आती है, गाड़ी छोड़ने आता है, कोई घर वाला उसको छोड़ने आता है ना, इन्होंने जो फास्टैग जो रोड में लगा रखे हैं, अगर आपको कार लेके आओगे वो आपके फास्टैग से पैसे कट जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए डर के मारे ना कोई अंदर सवारी छोड़ने आता है, कार वाले को उसको सवारी छोड़ने की कहावत, वो बाहर से सवारी बढ़ा देगा, उसको क्यों देने 40-50 रुपए इधर। इसलिए बीसी साहब जरा देखिए, जब फास्टैग अगर आपकी कोई कार पार्किंग में लगाता है उसके पैसे लीजिए, ऐसे रोड पे जाने के पैसे काटोगे ना, जब बस स्टैंड चलेगा ना आपको जहाँ गाड़ियां देखेंगे, हम अपने अपने कहीं और लगाएंगे। हम तो कहेंगे कि एक बार इनसे बैठ के बातचीत कर ली जाए और जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। अगर इस तरह से लोग रूल्स की वायलेशन करने लगेंगे तो फिर रूल्स किस तरह से, व्यवस्था कैसे किस तरह से बनेगी? अगर लोगों को, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे सवारियों को आने ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ये बस स्टैंड जो है वो किस तरह से चलेगा? एक अच्छा बस स्टैंड बना हुआ है, तो लोग अगर यहाँ पर आए, अच्छे अगर अच्छी सुविधाएं हो, तो क्यों ना यहाँ से काफी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं, और जो कुछ लोग काफी शातिर लोग हैं वो कामयाब हैं, क्योंकि वो बार बार से पैसा कमा रहे हैं। जैसे ये बीच में कह रहे थे लेन देन का मामला चल रहा है, तो लेन देन के मामले हो सकता चल रहे हो, और बार बार से सारी चीजें हो रही हैं, और बीच में जो लोग रूल फॉलो करने वाले हैं वो भुगत रहे हैं, वो कमयाजे भुगत रहे हैं, और उनको तो ज़िंदगी ऐसा लगता है भुगतना ही है। तो व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी कैसे चलेगा? हमें तो कहेंगे बैठ कर इनसे बातचीत की जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।